मूर्थल जाके खाएंगे गर्मा गर्म परांठे। हम पहुंच चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल और यहाँ से गूगल आंटी बता रही है मूर्थल का रास्ता 54 मिनट। गोभी का परांठा जो तंदूरी, देखो इसकी स्टफिंग देखो कैसे अच्छे से रिचनेस से भरा हुआ है। तृप्ति मिल गई पहली बाइट में। मक्खन इतना फ्रेश, जैसे कि जो कड़क चाय अदरक वाली, बारिश का मौसम, क्या कॉम्बिनेशन है। आज हम सुबह सुबह उठे 6 बजे, क्या आपको दिखाएंगे सुबह सुबह अफीम वाले छोले भटूरे शादरा के खिलाएंगे। हुआ क्या, इतनी तेज बारिश कि आधे रास्ते से हम वापस आ गए कि शादरा तक पहुंचते तो शायद हमारी गाड़ी डूब जाती। फिर वापस घर आए, घर का नाश्ता किया और अब हम जा रहे हैं मूर्थल। मूर्थल जाके खाएंगे गर्मा गर्म परांठे सफेद मक्खन के साथ। क्यों पीसी? हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग? तो आज हमारे साथ सुबह सुबह बड़ी बुरी हुई भाई। सुबह सुबह हम निकले कि जाके खाएंगे परांठे, सॉरी सुबह जाके हमने क्या कर रहे थे, भटूरे, अफीम वाले शर्मा के छोले भटूरे शादरा वाले। और रास्ते से ही वापस आना पड़ा, इतनी बारिश और पानी इतना भरा हुआ कि बस पूछो नहीं। तो हमने कहा यार शादरा में तो और भी ज्यादा पानी भरा होगा ना, शादरा लोअर एरिया है ना, वहाँ पे फिर थोड़ा सा पानी भर जाता है। हाँ, थोड़ा सा और पानी भर जाता है। वहाँ ना लेते हुए हम वापस चुपचाप घर आ गए सुबह सुबह। घर के नाश्ता करा, घर के आके नाश्ता करा, नींद आई और फिर उसका मौसम अभी भी बारिश, धीरे धीरे बारिश तो अभी भी हो रही है। तो हमने सोचा इस मौसम का थोड़ा फायदा उठा, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं अपने दोस्तों से बातें करते हुए। अब हम निकल चुके हैं मूर्थल के लिए, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे किसके परांठे खाने हैं, जो हमें बढ़िया लगेगा कुछ चेंज करेंगे या वहीं जाके वो जाके देखते हैं। पर हम ईस्टर्न पेरिफेरल के थ्रू जा रहे हैं और ड्राइव बढ़िया, मौसम बढ़िया, बारिश हो रही है तो चल रहे हैं रास्ते में, आपको भी दिखाते जाए। हम लोग पहुँच चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल और यहाँ से गूगल आंटी बता रही है मूर्थल का रास्ता 54 मिनट्स। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, हम लोग पहुंच गए हैं। तो डिसाइड ये करो कि गुलशन या आहूजा। गुलशन चलते हैं, गुलशन आ गया है। गुलशन ठीक है, गुलशन ठीक है। ढाबा किचन में लेकर गए हमें, अपने आप दिखा रहे हैं, हमें अपना तंदूर दिखा रहे हैं। तैयार हो गया।
ये क्या डाला भैया? देसी घी डाला। क्या चीज़ है? देसी घी है। अच्छा देसी घी है। अच्छा खीर की दाल मखनी है, देखिए ये दाल मखनी में भी उन्होंने देसी घी डाला और क्रीम डाली और धनिया डाला, ऊपर से मिर्च डाली। मेरी भूख तो और भी तेज होती जा रही है इसको देख के। काजू की ग्रेवी। काजू की ग्रेवी, ये काजू की ग्रेवी बना रहे हैं। ये इसमें डलता है ना मलाई कोफ्ते में, शाही पनीर और मलाई कोफ्ते में काजू की ग्रेवी। उनकी किचन देख के मजा आ गया, साफ सुथरी एकदम, और इतने सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ, हर चीज़ उन्होंने पहले से रेडी करके रखी हुई है। फटाफट से इनके ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं भाई। वैसे भी मुझे तो मूर्थल रोड पे ही घुसता हूँ तो भूख लग जाती है, पर इनकी किचन देख के तो बहुत मज़ा आ गया। तो अब हम इनको ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद फटाफट खाएंगे, फिर आपको व्यूज़ भी बताएंगे। पर खाना तो इनका अच्छा होता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नो डाउट है, मगर हम दिखाएं तो सही कि हम क्या खा रहे हैं, अभी आपको सबको दिखाएंगे। दोस्तों ये आ गया हमारे परांठे, तंदूरी परांठे गोभी प्याज के और आलू प्याज के मंगाए हैं। ये हमारी दाल मखनी, ये हमारी फ्रेश जमी हुई बिल्कुल बर्फी की तरह जमी हुई चक्की दही, ये सफ़ेद मक्खन जिसको देख के मज़ा आ गया, ये मिंट सॉस, सिरके वाले प्याज, उन्होंने खुशी खुशी में पीला मक्खन भी दे दिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दाल मखनी टेस्ट करके बताती हूँ। इसमें ऊपर से क्रीम डली हुई है, देसी घी का तड़का, और इसमें राजमा भी डले हुए हैं, जैसे दाल के साथ थोड़ा सा राजमा, और इसके अंदर प्याज और टमाटर का तड़का, जो मुझे धनिया भी दिख रही हो। इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ। गर्मा गर्म मज़ेदार मसाले, बहुत नॉर्मल मसाले डले हुए हैं, नमक मिर्च मसाले जो घर के होते हैं, ऐसे कुछ नहीं ऊपर छौंका वौका डाल के ऐसे तेज़ करा हुआ है। मैं आपको गोभी का परांठा, जो तंदूरी, देखो इसकी स्टफिंग देखो कैसे अच्छे से रिचनेस से भरा हुआ है, गोभी और प्याज का परांठा। इसको मैं वाइट मक्खन के साथ, मुझे पर्सनली वाइट मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पहली बाइट लेती हूँ। मैडम यहाँ पे पहले कितनी बार खाया हुआ है और बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन जब भी आओ मतलब मज़ा आ जाता है, ऐसे लगता है कि तृप्ति मिल गई पहली बाइट में। मज़ा आ गया जब मैं इसको ट्राई करूँगा दाल के साथ।
तो साथ में चाय की चुस्की, दिस इज टाइम। चाय भी बड़ी स्वाद है, अदरक भरा हुआ है इसमें, कड़क चाय, अदरक वाली, बारिश का मौसम, हाँ हाँ, क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसे आप गोभी का देखेंगे, अभी आपने आलू का खाया? अभी मैंने आलू का खाया, अभी है गोभी का, गोभी का पराठा और साथ में लेंगे हम दही। मजा परांठे और चाहिए? हाँ यार लगा दो, एक कौन सा लोगे? और कौन कौन से? पनीर प्याज का, पनीर प्याज का वैरायटी हो जाएगा। और एक इनका अचार नॉट टू मिस है, जो मैंने वैसे लिया भी है, अपने घर के लिए भी लिया, ये लोग पैकिंग में भी बेचते हैं उसको, केजी की पैकिंग में, तो ये अचार के साथ खाओ तो। नींबू का अचार, ये नींबू का अचार है, नींबू का अचार, काला वाला नींबू का अचार है, ये खराब भी नहीं होता, मतलब सालों तक पड़ा रहे, ये खराब नहीं होगा। नींबू अचार देख कर मज़ा आ जाएगा सच में, ऐसा अचार कोई नहीं बना सकता, मज़ा आ गया। दोस्तों अब हमने मखाना तो खा लिया, परांठे बहुत ज़्यादा पेट भर गया, मगर यहाँ से खीर, इनकी ठंडी ठंडी खीर खाए बिना जाने का मतलब बहुत बड़ा कोई गुनाह कर देना है। और ये राजभोग, ये मेरा फेवरेट है, ये पीसी का फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट है। पहले मैं अपना फेवरेट टेस्ट करके बताती हूँ आपको। ये चावल की खीर है, बिल्कुल काढ़ काढ़ के इसको पीले रंग का करा हुआ है, और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स से सजाया हुआ है, इसके ऊपर पूरा ड्राई फ्रूट्स है। इसको एक बार टेस्ट करती हूँ, ठंडी मीठी, मज़ा आ गया। ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर, मुझे इसकी टेस्ट आ रहा है, इसमें बादाम डले हुए हैं, पिस्ता डला हुआ है, और एक चीज़ और होती है ड्राई फ्रूट में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो भी डला हुआ है इसमें। चावल, चावल तो है ही है, वो भी है, दूध, चीनी भी है, चीनी, केसर भी है, और एक चीज़ और डली हुई है जिसका मुझे नाम नहीं आ रहा, थोड़े से ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, नॉट नेजे, और ये है मेरा फेवरेट राजभोग। मैं यहाँ पे हूँ तो राजभोग जरूर खाता हूँ, मैं जब भी आता हूँ राजभोग जरूर खाता हूँ, मज़ा आ गया मुझे। मेरे को ये राजभोग और स्पंज रसगुल्ला मतलब ऐसे निचोड़ के खाने में मज़ा आता है। तो फायदा क्या हुआ खाने का? बहुत मीठा होता है। फायदा क्या हुआ खाने का? कम मीठा, सॉफ्ट स्पंजी। छोड़ दे मैं कहूँगा, मेरा है, मेरा है ना ये, तो क्या पता मीठा था, ऐसा मज़ा आया ना यार। मुझे ये ड्राई फ्रूट का नाम भूल गया, बुला के भूल गया। ये ब्राउन ब्राउन क्या डला हुआ है छोटा छोटा? चिलगोजे? नॉट चिलगोजे यार, चिरंजी लाल, चिरंजी लाल भूल गई, बताया यार। मजा आ गया भाई, ऐसे परांठे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइए, जब भी यहाँ से क्रॉस करते हैं तभी नहीं, जैसे आज हम स्पेशल आए, हमने यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना, वापस घर ही जाएंगे। स्पेशल आइए अपनी फैमिली के साथ, गर्मा गर्म परांठों का मजा लीजिए, परांठों के अलावा और भी बहुत कुछ। पर उससे पहले भाई हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसमें कंजूसी मत करो यार, हम देखो हम कंजूसी नहीं कर रहे ना खाने में, तो खुल के खा रहे हैं, तो अभी खुल के सब्सक्राइब करो और लाइक करो। यहाँ के परांठे खा के और गर्मा गर्म चाय, सफ़ेद मक्खन, कॉम्बिनेशन वॉज टू गुड। और इन सब के अलावा जो एटमोसफियर था, सारे के सारे वेटर्स, इवन जो यहाँ के ओनर हैं, इतने अच्छी तरह, इतनी वार्मली हमें अटेंड किया उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरह, बहुत अच्छा ट्रीट किया, ऐसे खिला रहे थे मुझे जैसे कि मैं अपने मायके आई हूँ। बहुत अच्छी तरह खिला रहे थे, मजा आ गया। और एक बार जरूर आए यहाँ पे गुलशन ढाबा में, सब लोग आइए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और इंजॉय कीजिए ये वाला एटमोसफियर, आप लोग भी देखिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को घंटी दब जाए। इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय बाय।